मैं शैलेश जी से अनुरोध करूंगी, शैलेश जी दो शब्द बोले। इतने गुणीजनों के बीच में मेरा बोलना बहुत मुफीद नहीं है, लेकिन आदेश है भाभी का, और आदेश के सिवाय मन है कि मैं कुछ बोलूं। ये बहुत ज़रूरी भी है। मैं एक बहुत छोटी सी कहानी से बात शुरू करता हूँ। एक जंगल में एक संगीतकार मृदंग बजाया करता था। जब मृदंग बजाता तो एक बकरी का बच्चा वहाँ आके खड़ा हो जाता, एक मेमना। तो संगीतकार ने पूछा, तुम रोज़ यहाँ चले आते हो क्या? मेरा सुर, मेरा ताल, मेरी लय तुम्हें बहुत अच्छी लगती है। मेमना बोला, मैं नहीं जानता कि आप क्या बजाते हैं। मैं तो इतना जानता हूँ कि इस मृदंग में, इस ढोलक में जो चमड़ा मढ़ा है वो मेरे माँ के बदन से आया है। जब इस पर थाप पड़ती है मैं आके खड़ा हो जाता हूँ। आज हम सब यहाँ पे दादू के न रहने के थाप की वजह से खड़े हुए हैं। जो थाप भीतर से है, मैं उस थाप का बयान नहीं कर सकता। यकीन मानिए, हिंदुस्तान में मेरी पीढ़ी का कोई व्यक्ति जवान हुआ ही नहीं जिसने रविंद्र जैन को सुना ही नहीं। कोई एक व्यक्ति में इतना गुण, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। रविंद्र जैन कवि, रविंद्र जैन संगीतकार, रविंद्र जैन की मौसीकी, और रविंद्र जैन भावों का व्यक्ति। कौन कहता है कि वो देख नहीं सकता? वो जो मन की आंखों से देख, दिल आंखें बंद करके भी वो चेहरा देख सकता है। वो तमाशा ही नहीं है मगर तमाशा देख सकता है। और हम खिड़कियां दरवाजे बंद कर लें तो भी क्या होगा, जो सूरज है उसे जमाना देख सकता है, वो रविंद्र जैन। कौन ऐसी युवती होगी जिसने इस देश में यह ना सोचा होगा कि सजना है मुझे सजना के लिए? श्रृंगार का ऐसा अप्रतिम सौंदर्य हिंदुस्तान की इस फिल्म इंडस्ट्री में दूसरा मिलता नहीं। 16 वर्ष की लड़की जो ये नहीं जानती कि प्रेम में किस तरह से रच बस गई, रविंद्र जैन बताते हैं कि दर्पण वही, मैं वही, क्या हो गया, सब कुछ लागे नया नया। जो 16 वर्ष की उम्र में सब कुछ नया नया लगता है, रविंद्र जैन अवसाद के क्षणों में जब हमें तिरस्कृत कर दिया जाता है, तब भी रविंद्र जैन, कभी इस पग में कभी उस पग में बंधता ही रहा हूं मैं, घुंघरू की तरह बचता ही रहा हूं मैं, तब भी रविंद्र जैन। कहां कहां रविंद्र जैन नहीं है, हर क्षण में, हर क्षेत्र में, जीवन के हर फलसफे में रविंद्र जैन। जल नहीं होगा तो ये जग जाएगा जल, जसपाल जी यहां खड़े हुए हैं, इस एक पंक्ति से इतना बड़ा संदेश 1975 में दे देना, वो रविंद्र जैन। राम तेरी गंगा मैली हो गई, हमने सबने सुना है, लेकिन उसके पीछे जो दर्द, उसके पीछे जो करुणा, उसके पीछे जो अवसाद, और अवसाद करुणा को संगीत बना के हर फूल में, हर कली में, हवा में, जमीन में, आसमान में बिखेरने वाला रविंद्र जैन हम सब के बीच में हैं। अगर आज वहाँ होते तो वो यही कहते कि खुशबू हूँ मेरे नाम को फूलों में बांट दो, जहनों में बांट दो मुझे, जिस्मों में बांट दो। खुशबू हूँ मेरे नाम को फूलों में बांट दो, जहनों में बांट दो मुझे, जिस्मों में बांट दो। मैं ख्वाब हूँ, ख्याल हूँ, शबनम हूँ, रंग हूँ, मैं खिलखिलाऊंगा मुझे लफ्ज़ों में बांट दो। शुक्रिया।